जो विषय मैं आपके लिए लेकर आई हूँ और वो भी व्याकरण से संबंधित है और आज जो हम करने वाले हैं वो है कारक। कारक को इंग्लिश में केस कहते हैं। तो कारक पहले करने वाला, द डूअर। कारक की परिभाषा देना चाहते हैं, वी वांट टू से द डेफिनेशन ऑफ द कारक। तो वो होगा कि वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ किसी रूप से या स्वतः, स्वतः मतलब अपने आप जो व्यक्त करता है उसे हम कारक कहते हैं। यहाँ पर कारक को समझाने के लिए मैंने एक सिंपल सा जो है एक वाक्य लिखा है और वाक्य क्या है कि राम ने रावण को सीता के लिए युद्ध में बाण से मारा। ठीक है, अब यहां पर क्रिया क्या है, ये हो गई हमारी क्रिया। ना इस क्रिया का संबंध किस किस के साथ है, राम के साथ है, रावण के साथ है, सीता के साथ है, युद्ध के साथ है। यहां पर हम लोग अगर हम देख रहे हैं तो यहां देखिए संबंध को जोड़ने के लिए ने को के में से। तो वाक्य में क्या है, क्रिया है, संज्ञा है, मतलब संज्ञा या सर्वनाम है और उनको जो है जोड़ रहे हैं कुछ परसर्क। मैंने ये दूसरा सेंटेंस लिखा है, मंत्री जी रामलीला मैदान में गरीबों को कंबल दे रहे थे। ठीक है, यहां पर चलिए देख लेते हैं, देना क्रिया है। ठीक है, अब इस क्रिया के साथ आप मुझे बताइए कि क्या क्या मंत्री जी मैदान गरीबों। तो पहले वाक्य में संज्ञा शब्द जो है हमारे पास क्या क्या है, राम, रावण, सीता इत्यादि इत्यादि। और दूसरे वाक्य में मंत्री मैदान, कौन सा मैदान, रामलीला मैदान, गरीब इत्यादि, है ना। अब जैसे इन वाक्यों को जोड़ने के लिए हम देख रहे हैं कि ने है, को है, के है, मे से, और यहां पर ने को। तो ये जो शब्द हैं इनको हम कहते हैं परसर्ग। क्या कहलाता है ये कहलाता है परसर्ग। यहां पर ने को के मे से, और यहां पर देखिए मैं है यहां पर और फिर यहां पे को है। तो ये सारे शब्द जो है ये क्या कहलाते हैं अभी हमारे इनको कहते हैं परसर्ग या फिर इन्हें कहते हैं विभक्ति। तो कर्ता कारक की जब हम बात करते हैं तो ये परसर और विभक्ति मिलकर ही जो एक कारक बनता। तो क्या होता है कि जब संज्ञा के साथ परसर्ग का प्रयोग होता है तो हम कब, तो संज्ञा के साथ है ये। ठीक है, संज्ञा के साथ विभक्ति चिन्ह, तो ये अलग अलग प्रयोग होते हैं। जबकि ये सर्वनाम के साथ जो है सर्वनाम के साथ मिल जाते हैं। के साथ क्या होता है, जैसे लिखिए हम लिखते हैं उसने उनको तुमसे इत्यादि। तो यहां पर देखिए उदाहरण एक मैं फिर से समझा रही हूं, जब संज्ञा शब्द के साथ विभक्ति चिन्ह प्रयोग में आते हैं तो क्या उनको अलग अलग करके लिखते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल राम ने सीता से श्याम को, तो देयर इज अ डिफरेंस व्हेन यू आर यूजिंग अ प्रॉपर नाउन विद द विभक्ति चिन्ह, माने जो द केस एंडिंग है, तो दे आर वेरी स्पेसिफिक।
जबकि सर्वनाम जब प्रणाम के साथ हम उसको यूज करते हैं तो दे जस्ट मिंगल दे जस्ट मर्ज विद इट लाइक उसने उनको तुमसे तुमको इत्यादि सो व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड हियर इज कि परसर्व जो है वो अलग अलग रूपों में प्रयोग होते हैं और कारक को पहचानने के लिए हमें इन उसके कितने भेद हैं उनका जानना आवश्यक है तो बेसिकली व्हाट इज कारक व्हाट इज केस एंड कारक वो जो करने वाला द डूअर के साथ जो भी वाक्य के जो भी संबंध इसका बताया जाएगा सो दैट विल बी कॉल्ड एज केस कारक के हमारे पास आठ भेद है सो देयर आर एट टाइप्स ऑफ केसेस एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी केस सो दैट You can use the sentences in a much better way. तो जब तक आपको कारक की विभक्तियों का ज्ञान और जब तक आप इसको बारे में जानेंगे नहीं ठीक से तो तब तक आपको वाक्य में हमेशा इसको लेकर कंफ्यूजन रहेगी कि ये विभक्ति तत्वों को ये विभक्ति जो परसर्व जो है कहाँ पर इनको यूज करना है तो आइए जानते हैं कि कारक के कितने भेद हैं तो कारक के हमारे पास आठ भेद हैं वो क्या क्या है कर्ता कारक कर्म कारक करण कारक संप्रदान कारक अपादान कारक संबंध कारक अधिकरण कारक एंड संबोधन कारक ठीक है और हर कारक का जो है हमारे पास कोई ना कोई इसके परसर्ग है विभक्ति है तो वो क्या है मैं लिख देती हूं कर्ता के साथ हमेशा ने लगता है करण को करण सॉरी कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए के द्वारा हो सकता है के द्वारा ठीक है अपादान से संबंध इसमें बहुत ज्यादा काके की का के की रा रे री और मतलब आ जाते हैं अधिकरण में आ जाएगा में संबोधन में हे अरे हाय राम यू नो संबोधन जैसे भी आप कह रहे हो उसके साथ ही आ जाते हैं ठीक है हमारी जो हिंदी की अध्यापिका थी जब हम छोटे थे तो कारक को रटाने का या कारक को याद कराने के लिए हमें जो है ऐसे याद कराती थी वो जैसे कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए के द्वारा अपादान से संबंध का के की अधिकरण में पर संबंध हो हे हरे हा यू नो तो ऐसे जो है हमारे पास जो है याद होते थे हमको इसमें के वास्ते भी आता है के द्वारा आता है के वास्ते भी लगता है मैंने जो है अंग्रेजी में जो है इन केसेस के नाम लिखे हैं उदाहरण के लिए कर्ता कारक जो है वो नॉमिनेटिव केस कहलाता है कर्म कारक जो है वो एक्यूसेटिव केस कहलाता है करण इज इंस्ट्रूमेंटल केस संप्रदान को डेटिव केस कहते हैं अपादान को एब्लेटिव केस कहते हैं संबंध इज पोसेसिव केस अधिकरण में लोकेटिव संबोधन वोकेटिव केस तो अगर जब हम इसको सबसे पहले तो आपको ये रट लेना है ठीक है कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए अपादान से संबंध का के की अधिकरण में पर संबोधन हे अरे अजी तो अगर आप एक बार इसको रट लेते हैं तो आपके लिए कारक को समझना जो है वो बहुत आसान हो जाएगा मैंने अभी जो है मैंने सोचा है कि मैं लंबे लंबे वीडियो नहीं बनाऊंगी छोटे छोटे वीडियो में मैं आपको सभी चीजें समझाती चली जाऊंगी समटाइम्स यू डोंट हैव टाइम टू सिट फॉर ऑल द 20 मिनट्स टू सिट एंड वॉच अ वीडियो तो मुझे लगा कि मैं अगर आप छोटी छोटी वीडियोज अगर मैं डाल दूंगी तो आपको समझने में आसानी होगी तो माय नेक्स्ट वीडियो विल बी लाइक एक्सप्लेनिंग ईच एंड एवरी कारक हर एक कारक को जो है मैं डिटेल में समझाती हुई 5-5 मिनट या 10-10 मिनट का वीडियो मैं बनाती हुई चली जाऊंगी और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये ज्यादा फायदेमंद लगेगा तो प्लीज लेट मी नो इन योर कमेंट्स कि आपको कोई एक कॉन्सेप्ट जो है पूरा समझना अच्छा लगेगा या आपको ऐसे जैसे मैंने नया अभी शुरू किया है कि छोटे छोटे भागों में मैं उसको समझाती चली जाऊँ कौन सा अच्छा लगेगा प्लीज लेट मी नो एंड अगर आपको इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल तो तब तक के लिए नमस्ते